Hello everyone, in previous video we had discussed that what is constellation, what is pole star, what is planets, sun, moon, and in this video we will discuss on solar system. So let's begin. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो देखिए, जो sun है, जो 8 planets हैं and जो satellites हैं, as I told before that there are some planets in our solar system which has their own satellites just like our earth, and meteoroids, asteroids, they all together form a solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. अब जो ये सोलार सिस्टम है, इसे हम सोलार फैमिली भी कह सकते हैं. और जिसका हेड कौन है इस सोलार सिस्टम का, इस पूरी सोलार फैमिली का? सन. द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. अब देखिए, यहाँ पर जो सन है, इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम. जो पूरा सोलार सिस्टम है उसके सेंटर में सिचुएटेड है सन, और ये बहुत बड़ा है. और ये किससे बना है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से. ठीक है, बहुत गर्म गैसेस हैं, उनसे बना हुआ है. इट्स प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलार सिस्टम. अब देखिए, ये जो सन है इसमें भी अपना एक पुलिंग फोर्स है, जिसे हम कहें ग्रेविटेशनल फोर्स. जस्ट लाइक अर्थ जो हमारी है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरीके से जो सन है उसका भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये पूरा सोलार सिस्टम एक तरह से अपनी जगह पर सिचुएटेड है. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. जो sun है वो बहुत बड़ा source है किसका? heat का और light का. जो पूरा solar system है वो heat और light कहाँ से gain करता है? sun से. ठीक है, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us. लेकिन हम जब सूरज इतना बड़ा है, उसमें इतनी सारी हीट और लाइट है, तो उसकी इतनी और हीट और लाइट हमें क्यों फील नहीं होती बहुत ज़्यादा? क्योंकि जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार होने के बाद भी, as I told that sun is also a star, तो जो ये sun है वो हमारे सबसे earth के सबसे nearest star होने के बाद भी हमसे काफ़ी दूर है, earth से काफ़ी distance पर है, जिस वजह से हम उसकी बहुत ज़्यादा heat या light एक तरह से नहीं feel कर पाते हैं. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, हमारी अर्थ से. नाउ प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलार सिस्टम. इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. देखिए, मैंने बताया था देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलार सिस्टम एंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से दूरी के हिसाब से क्या ऑर्डर है इनका? फर्स्टली मर्क्यूरी, आफ्टर दैट वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. लुक एट दिस ट्रिक. बेसिकली दिस इज़ अ ट्रिक टू रिमेंबर द following planets.
An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is, my very efficient mother just served us nuts. You can rememberize, you can learn the names of the planets according to their distance from the sun with this trick. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. अब जो ये जितने भी 8 planets हैं वो सोलार सिस्टम में सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पर, मतलब एक प्रॉपर सर्कल में, जिसको बोलें अपनी जगह पर ही प्रॉपर राउंड शेप में क्या करते हैं, सन का राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं. दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड. ये जो पाथ्स हैं वो एक तरह से हल्के से तिरछा, जिसको बोले ना, not properly circled but a little bit elongated shape. तो उस शेप में ये सन के चक्कर लगाते हैं. They are called orbits. और जो ये planets हैं जो अपने fixed path पर solar system में सन के around revolve होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Mercury सबसे पास का planet है sun के, और ये सिर्फ 88 days में एक round complete कर लेता है sun का अपने orbit पे. Venus is considered as Earth's twins because its size and shape are very much similar to that of the Earth. वीनस को एक तरह से अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, मतलब अर्थ का जुड़वा ग्रह, बिकॉज इसका जो साइज़ है एंड शेप, दे बोथ आर मोस्ट सिमिलर ऑफ द अर्थ. मतलब जो शेप है वीनस का, वीनस प्लैनेट का, और जो साइज़ है, दोनों बेसिकली आर एस्टिमेटली समथिंग सिमिलर दैट द अर्थ. अर्थ से कुछ हद तक सिमिलर है, इस वजह से इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. अभी हाल ही में अगस्त 2006 में प्लूटो नाम का एक और भी जो ग्रह है या प्लैनेट है उसको खोजा गया है. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in recent past, may be called dwarf planets. अब देखिए, ये जो प्लूटो जिस डिस्कवर किया गया, कंसिडर किया गया एज अ प्लैनेट, बाद में उसको एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को एक प्लैनेट ना कहकर जो और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन्हीं में, उन्हीं की कैटेगरी में रखा जाएगा, और पास्ट में उसको ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी छोटे प्लैनेट्स में उसकी गिनती होगी.